आज हमारी सेकंड क्लास है फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग कराची बोर्ड की, क्योंकि हम पहली क्लास में जनरल एंट्रीज, टी अकाउंट्स और ट्रायल बैलेंस कर चुके हैं, जो कि 30 मार्क्स का है। अब 15 मार्क्स का और कर लेंगे, इसका नाम है बैंक रिकंसिलेशन, ताकि आपके 40 मार्क्स पूरे हो जाए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा बैंक रिकंसिलेशन। पहले बात करते हैं कि बैंक रिकंसिलेशन हम करते क्यों हैं। जब भी हम पैसा बैंक में जमा करवाते हैं, कुछ चीजें ऐड करते हैं, कुछ चीजें लेस करते हैं, उसकी वजह यह है, होना तो ये चाहिए कि हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस इक्वल हो, लेकिन किसी परमानेंट या फिर टेम्पररी रीजन की वजह से बैलेंस बराबर नहीं होता। इससे इक्वल करने के लिए हम करते हैं बैंक रिकंसिलेशन। ये बात वाजे रहे कि कैश बुक, कंपनी बुक और बैंक बुक हमारा रिकॉर्ड है, जो कि हम रिकॉर्ड रख रहे हैं, और पासबुक या बैंक स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड है जो कि बैंक रिकॉर्ड रख रहा है। तो एक और चीज, हमारे लिए या कैश बुक के लिए, कंपनी बुक के लिए ऐड का मतलब होता है डेबिट, लेस का मतलब होता है क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट, लेकिन बैंक के लिए ऐड का मतलब क्रेडिट और लेस का मतलब डेबिट या ओवरड्राफ्ट। तो कुछ चीजें ऐड होती हैं, कुछ लेस होती हैं, वो क्या ऐड होता है, क्या लेस होता है, हम इस टॉपिक में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्या चीजें ऐड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हम इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि बैंक ऐड कर चुका है, बैंक हमें मंथ के एंड में इंफॉर्म करेगा, तो हम भी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऐड कर लेंगे, वरना हमारा बैलेंस बराबर नहीं होगा। डायरेक्ट डिपॉजिट, कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसा जमा करवा दिया है, तो हम अपने पास से ऐड कर ले क्योंकि बैंक ऐड कर चुका है। डिविडेंड ऑन शेयर्स, हमें शेयर्स में प्रॉफिट मिला है, शेयर्स बैंक के पास से प्रॉफिट है, हम ऐड कर देंगे क्योंकि बैंक ऐड कर चुका है। नोट्स रिसीवेबल रिसीव्ड बाय बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट की तरह है, किसी पर्टिकुलर डेट में बैंक ने पैसे रिसीव कर लिए तो बैंक के पास पैसे ज्यादा हो गए, बैंक हमें इन्फॉर्म करेगा, हम भी ऐड कर लेंगे। फिर प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिट का मतलब बैंक के लिए ऐड होता है, मतलब हमने भी, बैंक ने भी ऐड कर दिया तो हम भी ऐड कर लेंगे, हमारा बैलेंस बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या क्या चीजें हम लेस कर देते हैं। लेस करेंगे सबसे पहले बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस, बैंक के कुछ चार्जेस हैं, बैंक ने हमारे पैसों से काट लिए तो हम भी अपने पास लेस कर देंगे। जकात एक्सपेंसेस, रमजान में बैंक खुद ब खुद 2.5% जकात काट देता है, तो हम भी अपने पास से लेस कर देंगे। डिसऑनर चेक, कस्टमर ने हमें चेक दिया था, हमने ऐड कर दिया था, जब बैंक के पास गए तो बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, डिसऑनर हो गया, तो हम भी अपने पास से लेस कर देंगे। नोट्स पेबल पेड बाय बैंक, बैंक ने हमारे बिहार में किसी को पैसे पे कर दिए तो हम भी अपने पास से लेस कर देंगे क्योंकि हमारे पास भी लेस हो चुका है। स्टैंडिंग ऑर्डर पेड बाय बैंक, हमने बैंक को ऑर्डर दिया था कि मंथली हमारे पास से इतने पैसे काट के हमारी कोई इंस्टॉलमेंट बाकी है उसको पैसे पे कर दिए जाए, या फीस पे कर दी जाए, या बिजली का बिल पे कर दिया जाए, तो बैंक पैसे काट रहा है तो हम भी काट के बैलेंस बराबर कर देंगे। देन लास्ट में प्रॉफिट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने प्रॉफिट डेबिट किया है, डेबिट मतलब लेस किया है, बैंक का डेबिट लेस होता है, तो हम भी अपने पास से लेस कर देंगे। बात करते हैं पासबुक की या बैंक स्टेटमेंट की। अब बैंक से हम क्या क्या चीजें ऐड करेंगे जो हमने कर लिए बैंक ने नहीं किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेट डिपॉजिट। लेट डिपॉजिट मतलब हमने मंथ के एंड की डेट में पैसे जमा करवाए, 30th को या 31st को। इससे क्या हुआ कि अभी तक हमारे रिकॉर्ड में नहीं आया है, बैंक के रिकॉर्ड में अभी तक आया नहीं है, तो हम ऐड करके अपना बैलेंस चेक करेंगे बैलेंस बराबर है या नहीं है। डिपॉजिट इन ट्रांसजेक्ट भी सेम चीज है कि हम अभी तक पैसा जमा करवा दिया, रिकॉर्ड में नहीं आया, प्रोसेस में है क्योंकि मंथ में जमा करवाया। अनक्लियर चेक, डिपॉजिट बट नॉट शोन, ऑलमोस्ट ये चारों सेम चीज है कि पैसा हमने जमा करवा दिया है एट द एंड ऑफ द मंथ, लेकिन अभी तक रिकॉर्ड में नहीं आया है, तो हमने ऐड कर दिया है, तो बैंक साथ भी हम ऐड करके अपना बैलेंस बराबर कर देंगे। करते हैं पासबुक में क्या क्या चीजें लेस होंगी। आउटस्टैंडिंग चेक और अनप्रेजेंटेड चेक, इसका मतलब ये है कि हमने अपने सप्लायर को चेक दे चुके हैं, लेकिन सप्लायर इस मंथ बैंक में जमा नहीं करवाया है उसने, या फिर बैंक के पास गया ही नहीं है डिपॉजिट करवाने या फिर विड्रॉ करवाने, तो फिर हम ये करेंगे अपने पास से लेस कर देंगे ताकि हमारा बैलेंस इक्वल हो, जो हमें बैंक ने स्टेटमेंट दी है उसमें से लेस करके एक बैलेंस अपना इक्वल कर लेंगे, कैश बुक का भी और पासबुक का भी। इस तरह ये सब प्रोसेस करने के बाद हमारा कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस इक्वल हो जाएगा। ये है बैंक रिकंसिलेशन के सारे रूल्स।
जो कि ना सिर्फ आईकॉम में बल्कि बीकॉम में, ओ ए लेवल्स में, सीए में, एसीसीए में, आईसीएम में, पिफा में, सीएफए में, तमाम रूल्स सेम है। कुछ एडवांस लेवल के बाकी का, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए ये रूल्स काफी हैं, फर्स्ट ईयर कॉमर्स के लिए और ओ ए लेवल्स के लिए भी ये काफी हैं। तो फिर ये तमाम क्वेश्चंस है, आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर देखना है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट ईयर कॉमर्स का, आई गेस 2006 का होगा, तो आपको ये क्वेश्चन समझने में और ज्यादा आसानी होगी।